शास्त्रों में भगवान का नाम है सच्चिदानंद। जीवन की जय विजय, अलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं, सिद्धि प्रसिद्धि प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य विभूति विद्या, सब जिससे प्राप्त होता है वह सत्य है। सत्य एक बड़ा साधन है। सत्य की परिणति जय है, विजय है। हम यहां विजयी होना चाहते हैं, हम पराजित नहीं होना चाहते। हमारे सारे उद्यम चेष्टाएं पुरुषार्थ श्रम और साधन अर्थहीन है अगर हमारे पास सत्य नहीं है। इहलोक और परलोक में जो हमें प्रतिष्ठित करता है वह सत्य ही है, वह धर्म ही है। जहां धर्म और सत्य है वहीं जय है। यतो धर्मस्ततो जय, ततो जय मुदीर येत। कभी आप पराजित न हो सकें किसी से भी, अपने अज्ञान से भी। कभी कभी व्यक्ति दूसरों को तो पराभूत करता है पर स्वयं के अज्ञान से वह पराजित हो जाता है। अपनी भावनाओं में, कामनाओं में, ऐशोना स्पृहाओं में, लालसाओं में, अपनी दुर्बलताओं के कारण, मानसिक दुर्बलता के कारण, चित्त की दुर्बलता के कारण, जिन्होंने इंद्रियों पर जय प्राप्त नहीं की है वे कभी कभी अपनी इंद्रियों के द्वारा ही हार जाते हैं। हमें निरंतर कई विषय अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इन विषयों में भी कभी कभी हम इनकी प्राप्ति पूर्ति के लिए हम आकांक्षित रहते, अभीप्सित रहते हैं। भले ही हम सबसे जीत जाएं पर कभी अपने मन से हार जाते हैं। तो जो मनोजयी हैं वही लोग शासन कर पाते हैं, वही लोग का प्रिय बन पाते हैं। लोक विश्रुत, इहलोक और परलोक में उन्हीं की चर्चाएं गाथाएं कथाएं हैं। जो मनोजयी हैं, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही हमारे बंधन का कारण है, दुख का कारण है। मन ही हमारे उत्कर्ष उन्नयन प्रगति उत्थान और जय का कारण है, मुक्ति का भी। तो जिनके पास धर्म है, जिनके पास सत्य है, उन्हीं के पास विजय है। सत्यमेव जयते, अथवा या तो धर्मस्ततो जय। ततो जय मुदीर येत, इसे सहेज के रखें। हम धर्म च्युत न हो जाए, गिर न जाए, पतित न हो जाए, हमें उत्थान रहे निरंतर। और हमारी मन कामनाएं ऐशनाएं हमारे भीतर की लालसाएं स्पृहाएं आकांक्षाएं हमें पतन की ओर लेकर जाती हैं।
इसलिए जो उत्थान का मार्ग है वो कठिन है, पतन सहज है, क्योंकि पतन का अर्थ है विषयोन्मुख होना, विषयानुरागी बनना, विषयासक्त होना। संसार के सभी जो विषय हैं उनमें हम सुख का आभास कर रहे हैं, इसलिए उनकी ओर आकर्षित हैं। वही हमें निरंतर चैतन्य रहते हैं, इसलिए ध्यान की अवस्था में भी विषय ही हमारे आसपास रहते हैं, निद्रा में भी, एकांत में भी। हम किसी भी अवस्था में हैं तो विषयों में अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, शब्द में, स्पर्श, रूप, रस, गंध, या तो कुछ सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, अथवा तो छूना चाहते हैं या कि सूंघना चाहते हैं या कि चखना चाहते हैं। मन इधर संलग्न है, मन या तो श्रवण में आ सकते हैं, कुछ अच्छा सुने, अपनी कीर्ति, अपना यशोगान, वरदावली, प्रशस्ति गायन, श्रेष्ठताओं का कोई बखान करे, अथवा तो हमारे रूप, बल, वीर्य, पराक्रम, हमारी कृति, उपलब्धि, ये चर्चित हो सर्वत्र, ये सुनना चाहता है मन, अपने रूप की प्रशंसा, अपने धन मान संग्रह सम्मान की प्रशंसा।